सो हे गाइस, वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू द अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। टाइम हो रहा है, मेरे को तो टाइम भी नहीं दिख रहा घड़ी में, कितना हो रहा है, 9 o'clock आई थिंक हो गए हैं। सो अनमोल जा चुका है स्कूल। दीदी यहाँ पर व्लॉग स्टार्ट होते ही मुंह छुपा के लेट गई है, अभी ये स्टडी कर रही थी बिकॉज इनके बोर्ड चल रहे हैं। और ये रवनूर आज इसका ओबीटी है साइंस का, तो कुछ भी नहीं है, बुक्स वगैरह कुछ नहीं थी, तो पीडीएफ के ऑनलाइन का, जैसे हम कहते हैं कि फायदा भी है कि ऑनलाइन मेरे पास पीडीएफ थी, मतलब व्हाट्सएप पर मैम ने भेजी हुई एंड उसके हमने प्रिंटआउट्स निकलवा लिए हैं। तो रवनूर मुझे नहीं पता सुबह से क्या कर रही है, ओबीटी है और क्लास स्टार्ट होने वाली है। और ये मेरा बच्चा एज यूजुअल सुबह से खेतों में काओ के बेबी के पास और खेतों में भी जाया है। ये डेली रोज खेतों में जा रहा है, अलग 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 व्हीकल्स के, अलग अलग ट्रांसपोर्ट के ये मजे ले रहा है। कभी ये ट्रैक्टर पर जाती है, कभी ये स्कूटर पे जाती है, कभी ये बाइक पे जाती है, कल ये साइकिल पे गई थी, तो मजे ही मजे हैं। ये देखिए, हाय, चलो पढ़ो। दीदी मेरे साथ क्लास लेके बैठेगी, तो मैं तो क्लास, दीदी तो जरूर 9:30 से 1:30 तक बैठ जाएंगी। दीदी अपने दीदी का कौन सा पेपर है? हिंदी। क्या कल मैथ्स का था दीदी का? परसों। हाँ कल तो संडे था, हाँ कल शादी में थे। हाँ जी ओके चलो। और बाहर मैं आपको दिखाती हूँ कौन क्या कर रहा है। यहाँ पर बन रही है मक्की वाली रोटी, मक्की दी रोटी विच मूली मेथी, मींस मिक्स रोटी बन रही है, वो भी चूल्हे ते मामी जी बना रहे हैं। लॉलीपॉप आओ। अच्छा ये शलगम कौन लेकर आया था? ये कौन लेकर? क्लास होने वाली है, मैम देखेंगी कि क्लास नहीं ले रहे, गुमताज के साथ घूम रहे हो। वो देखो सब रोटी खा रहे हैं। और ये देखो ये आप तोड़ के लाए हो, ये एक नूरा सुबह जाके मेथी धनिया ये तोड़ के लेके आई है, रोज रोज ये जा रहे खेतों में। ये देखो क्या है ये शलगम, क्या बोलते हैं टर्निप, हाँ आपके जैसी छोटी सी रोटी दही के साथ, वो भी चूल्हे के पास बैठ के। वाओ कैसी है, यम्मी। और इसके शूज देखो, ये रोज खेतों में जा जाके, वो देखो मक्की की रोटी साथ में लॉलीपॉप, क्या कॉम्बिनेशन है, वाह वाह। क्लास नहीं लेनी, छुट्टी आज भी, मैम तो डांटेंगी फिर आपको, मैम देखेंगी, कोई बात नहीं, चलो फिर बोल दो मैम, इधर बोल दो, बोले मैम मैं पिंड, बोल दो मैम को, क्या बोलोगे मैम को, मैसेज क्या दोगे अपनी, दो दो मैम ने देखनी है, जल्दी बोलो। मैम कहेंगी क्लास क्यों नहीं ली, नहीं बोलो, खेतों में गए थे, अब शादी में आए हो यार, मूली तोड़ के लाए, शलगम तोड़ के लाए खेतों में से, है ना, बोलो बोलो। मैं बहुत काम कर रही हूँ पिंड आके, ना पंजाब आके, खेतों में जाना, सब्जियां तोड़नी, काओ के बेबी को रोटी खिलानी और दही के साथ। सो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो खत्म, ये बच्चा खा रहा है दुद्धू के साथ जलेबी,
है ना, दुद्धू के साथ जलेबी, मक्खी पड़ जाएगी दुद्धू में, पी लो जल्दी। और इसे मैंने धूप में बिठाया हुआ है, बहुत सुबह से मस्ती कर रही है, क्लासेस की खत्म हो गई है, रवनूर की क्लास चल रही है। सो अभी आज हमारा प्लान नहीं है दिल्ली निकलने का, तो कल निकलेंगे दिल्ली के लिए, आज हमें जाना है। शाबाश, आज हम जा रहे हैं आसपास ही मत्था टेकने, और मींस तो देखते हैं कहाँ जाते हैं। अभी अभी तो रेडी होंगे, एक नूर की क्लास, रवनूर की क्लास हो जाए, और ये रवनूर बैठा हुआ है, बाकी सब अंदर हैं, अभी बैठे हुए थे यहाँ पे। ये एक नूर है, मतलब मैंने बोला रवनूर की क्लास चल रही है, ठीक है, रवनूर बैठी हुई है, ठीक है, मतलब एक नूर बैठी हुई है, चलो। और ये देखिए फ्लावर्स, ये सुबह से पता नहीं कितने इकनूर ने तोड़े हैं। इकनूर को फिर बताया है मैंने कि फ्लावर्स को ऐसे ही लगे रहने दो, जब आप फ्लावर्स को तोड़ देते हो ना तो वो मर जाते हैं। हाँ जी, मुझे ग्रीन ग्रीन चिड़िया दिख रही है। अरे ग्रीन ग्रीन चिड़िया कहाँ दिख रही है, इधर तो है ही नहीं चिड़िया। हाँ, नहीं है बेटा, कोई बात नहीं, अब मम्मा ने जो कहा वो समझ में आया। मम्मा ने ये कहा है कि ये देखो कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, देखा कितने प्यारे हैं फ्लावर्स ये। ऊपर से ना इनका मेरे को नेम नहीं पता क्या है, मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं, पंजाब में बहुत सारे घरों में मैंने देखा है, ये ऊपर से ना वेलवेट वेलवेट की तरह लगते हैं, ये बहुत प्यारे। रेड से तो बनाए हैं कलर है, पर इनका नेम नहीं पता, मुझे पूछेंगे। सो ये देखिए, पर आपने इनको तोड़ना नहीं है, देखो ये लगे हुए कितने प्यारे लग रहे हैं, जब आप इनको तोड़ते हो ना तो ये मर जाते हैं, ये मुरझा जाते हैं। सुबह से आपने कितने तोड़े हैं, है ना, तोड़ना नहीं। जब मैं छोटी होती थी ना, मम्मी जी ने मुझे ये वाला फ्लावर बताया था। चलो चलो दुद्धू पियो। इसका नाम बताया था, इसका नाम बॉनी जी है। क्या है? बॉनी जी। बॉनी जी, ये क्या होता है? ये होता है, ये होता है। चलो मस्ती ज्यादा हो रही है, चले घर, चले दिल्ली, चले। नहीं, मजा नहीं आता दिल्ली, दिल्ली मजा नहीं आता, यहीं पे रहे। फिर ऐसा करते हैं, आपको यहीं पे छोड़ जाती हूँ, यहीं पे स्कूल, जो इनके ताया जी हैं वो प्रिंसिपल हैं, मींस अनमोल के पापा, तो चले उनके स्कूल में एडमिशन करवा दें। ताया जी को बोलो, ताया जी तो प्रिंसिपल ही हैं। ताया जी को बोलती हूँ कि इकनूर को, ताया जी तो आज कह ही रहे थे चलो मेरे साथ आज, फिर आप जाके प्रिंसिपल रूम में बैठते, प्रिंसिपल रूम में। ताया जी कहते रूम में नहीं बिठाता मैं, क्लास में बिठा देता, यहाँ पे तो स्कूल खुले हुए हैं बच्चों के, ठीक है। ऐसा करते हैं, हाँ जी, खेतों में जा रही थी ना, तो मुझे एक वीडियो स्कूल दिखा था। वो तो पास वाला है ना, ताया जी का तो दूर है ना स्कूल, जिसमें अनमोल वीर जी गए हैं, तो आप भी वहीं पे पढ़ने लग जाओ, ताया जी के साथ जाओगे, ताया जी के साथ आ जाओगे। पता है? कुछ मत बोलो, दूध पियो फटाफट से, मैं चाय पीऊँ, मक्खी पड़ जाएगी नहीं तो। अभी हम घर से निकल चुके हैं, जस्ट ऐसे ही पास में रिलेटिव्स हैं उनके घर जा रहे हैं, मत्था टेकने जाना है हमें। तो आज का दिन मीन्स हम रुक गए थे यहाँ पर, तो हम निकले हैं अभी। सो चलो चलें।
चलो आराम से, गिर नहीं जाना। आप लोग ना बैठना नहीं आराम से, और मम्मा को भी बैठने नहीं देना। ये आए हुए हैं अपने दूसरे वाले ताया जी के घर में, और इनकी मस्ती खत्म नहीं हो रही। यहाँ पे उन्होंने क्या रखी है, शॉप है, चीजें खाई जा रही है, और वहां से ये खाई जा रहे हैं। और पैसे, अब ये थोड़ा कि ताया जी की शॉप है तो पैसे नहीं दोगे। ये देखो ये है, अब ऊपर मैं ऊपर छत से आपको व्यू दिखाऊं। ये घर, ये देखो, ओ देखो, नहीं गिर नहीं जाना। ये देखो फ्लावर्स, अभी हम यहाँ जाएंगे, यहाँ से लेके आना है हमें तोड़ के ना। क्या लेके जाना है घर, मेथी, मूली, साग। डॉगी नीचे उतर के देख लेना, गिर जाओगे। ये दोनों डॉगी है ना ताया जी के, और ये दोनों काओ भी। आओ आओ दिखाओ, दिख नहीं रहा, ए फोन ना गिर जाए हमारा। ये रहो देखो, वो बेटा ये रहो, बस उनको पता है कि ये दोनों लगे हुए हैं हमारी कसर पूरी करने, वो देख रहे हैं। और ये देखो ये बैक साइड, हाँ जी गाइस आ गए। ये देखो ये जो इधर बांधी हुई है वो छोटी है, जो उधर बांधी हुई है वो उधर है, वो बड़ी है, ये छोटी है। और ये डॉगी बैठे हैं, हाँ जी गाइस देख लो यहाँ पे भी ट्रैक्टर खड़ा है। जहाँ बोरियां लगी है वो रात को वहाँ पे शेड, हाँ जी मैं वो देखो पीछे खेत देखो पीछे। और गाइस ये देखो यहाँ पर काऊ को इतना सारा खाना पड़ा, और दिन में भी नहीं खड़ी रहती है। नहीं बेटा बैठ जाते हैं। और ये है खेत पीछे से व्यू, है ना। और ये चीजें इनको यहाँ पर देखने को दिल्ली में देखने को नहीं मिलती हैं, इसीलिए खुश हैं। ग्रीनरी ग्रीनरी, और दैट्स वे मेरे बच्चे पंजाब से इनका जाने का मन नहीं करता कि हमें यहीं पे ही रहना है, हमें घर वापस नहीं जाना। हाँ जी पाबला लिखा हुआ है, यस यस नरेंद्र कौर पाबला, यस तभी आपके ताया जी भी लगते हैं और मामा जी भी लगते हैं। पाबलस पाबलस, ये बड़े टंकी रखी हुई है बस उसकी जगह वो नीचे मटका है। चलो चले चलो 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 वापस उतरो धीरे धीरे। मम्मा उसमें क्या है, वो वैसे साथ वालों का घर है बेटा। चलो अब धीरे धीरे उतरना, उतरो उतरो स्लोली स्लोली। ओ देखो देखो दिखा, चले थे दीदी अभी, इग्नोर आराम से बेटा, मैम मस्ती करते करते चोट लगवा लोगे। चलो अब इग्नोर इग्नोर गिर जोगे, चलो 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 आराम से। मैं देख रही हूँ नहीं दीदी की तरह, इग्नोर इग्नोर रवनूर बेटा, स्लोली स्लोली मैंने बोला। okay. आप दोनों ही कहना नहीं मानते। चलो चलो नीचे उतरो, वेरी गुड, देखो इग्नोर उतर गई। उतरो 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 उतरो, मम्मा भी आ रही है। चलो ये बच्चे ना कहीं पे भी बैठने नहीं देते, बस ऊपर नीचे। So, यहाँ पर अब मैं नीचे उतर रही हूँ, और ऊपर जाने से पहले जैसे आपने देखा था कि हम शादी की सीढ़ी देख रहे थे, तो यहाँ पर जो भैया भाभी हैं उनके बेटे की अपकमिंग जो जनवरी आ रहा है उसमें 1 ईयर हो जाएगा, तो उनकी शादी की सीढ़ी लगाई हुई थी। और यहाँ पर भाभी को मैं लेकर पीछे आ गई थी कि प्लीज सब्जियां तोड़ दो, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मैं तुम्हें साग दूंगी, और साग हमारा बनाकर देखना, खाकर देखना कैसा है। और सच में बिलीव मी, इस टाइम जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, हम साग बनाकर खाकर देख चुके हैं, सच में बहुत टेस्टी बहुत स्वाद बना था, सबको पसंद आया, बच्चों ने भी बहुत खुश होकर खाया। बिल्कुल मलाई की तरह जैसे होता है ना वैसे साग बना। हमारे दिल्ली में जितना मर्जी अच्छा साग हो, जितना मर्जी ताजा हो, पर वो स्वाद नहीं आता है जो पंजाब के अपने घर के साग का होता है। तो बस यहाँ पर साग तुलवाया था, उसके बाद हम निकल चुके थे घर के लिए। और जैसे आप देख रहे हो सनसेट होने वाला है, शाम हो चुकी है, अंधेरा हो गया था
पहुंचते पहुंचते। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।